नमस्कार, आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 की आज की सबसे बड़ी न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े सब्सक्राइब कर सकते हैं निःशुल्क में, फ्री में। आप हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर आप जोड़ सकते हैं। आज की पहली खबर है विजिलेंस का खुलासा, पृथ्वी सिंह ने पूर्व निदेशक को दी थी 50,000 की घूस। 50 लाख के लेन देन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में गिरफ्तार पृथ्वी सिंह की पुलिस रिमांड पर आने के दौरान विजिलेंस ने बड़ा खुलासा किया। विजिलेंस ने कोर्ट को बताया कि पृथ्वी ने बतौर घूस 50,000 रुपये की तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता को पहुंचाए थे। हालांकि ये पैसा किस दिन दिया ये उन्हें याद नहीं। आज की अगली खबर है, हिमाचल में जुलाई और अगस्त में भी बंद रहेंगे निजी होटल और रेस्टोरेंट। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने सितंबर मध्य तक होटल रेस्टोरेंट खोलने का लिया फैसला। हिमाचल में जुलाई और अगस्त में भी निजी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने सितंबर मध्य तक होटल रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करने को होटल कारोबारी ने अतिरिक्त समय की मांग की है। अगले सप्ताह से प्रदेश में होटल कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। हार्ट और कोरोना संक्रमित हुए ठीक, 85 पहुंचा स्वस्थ लोगों का आंकड़ा। हमीरपुर जिले में 8 और कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए। इन 8 व्यक्तियों को फॉलो अप रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को इन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। कुल्लू पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 42 किलो चर्स के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने बंजार थाने के तहत फागु पुल के पास एक टाटा 407 ट्रक से चर्स की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने वीरवार सुबह वाहन की तलाशी के दौरान 42 किलो चर्स बरामद की है। आरोपी ने वाहन के निचले हिस्से में चर्स की पैकिंग की थी। आरोपी मंडी जिले के बंजार तक पानी की पाइप लेकर आया था। बंजार से वापस जाते हुए चर्स लेकर जा रहा था। येलो अलर्ट के बीच प्रदेश में साफ रहा मौसम, 3 डिग्री तक चढ़ा पारा। आंध्र की है चेतावनी। हिमाचल प्रदेश 30 जून तक दुरुस्त करनी होगी सेब उत्पादन क्षेत्रों की सड़कें। शिक्षा मंत्री ने दिए दिशा निर्देश। शिमला जिले के सेब उत्पादन क्षेत्रों की सभी सड़कें लोक निर्माण विभाग को 30 जून तक दुरुस्त करनी होगी। सेब सीजन की तैयारियों को लेकर बचत भवन में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसे लेकर सख्त निर्देश दिए। हिमाचल में नहीं होगा नई सड़कों और पुलों का काम, केंद्र ने प्रोजेक्ट भेजने से किया इनकार। हिमाचल में इस साल नई सड़कों और पुलों का काम नहीं होगा, केंद्र ने प्रदेश सरकार को नए प्रोजेक्टों की DPR भेजने से इनकार कर दिया। सरकार को निर्देश दिए कि वे पहले पुराने और सालों से लंबित पड़े प्रोजेक्ट के कार्य को प्राथमिकता से निपटाया जाए। इसके पीछे केंद्र ने यह तर्क दिया है। 5 माह में मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई हिमाचल की 52 दवाएं। जनवरी से मई तक 5 महीनों में 52 दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी है। इससे पहले जनवरी में देश भर के लिए लिए सैंपलों में से फेल हुई 34 दवाओं में, फरवरी में 38 में 6 दवाएं, मार्च में 46 में से 13 दवाएं, अप्रैल में 59 में 23 और मई में 25 में से 6 दवाएं फेल हुई। आज की अगली खबर है BVN से। BVN में भाजपा नेता सहित ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव, अम्बाला से आया था चालक। BVN में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को बद्दी के भाजपा नेता सहित नालागढ़ का एक ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भाजपा नेता की कुछ दिनों से तबीयत खराब रही थी, जिस पर उन्होंने स्वेच्छा से अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जबकि अम्बाला रिटर्न ट्रक ड्राइवर का मंगलवार को सैंपल लिया गया था। आज की अगली खबर है देहरा में फिर निकला चीले का चिन्ह, कांग्रेस बोली देहरा को चीला बनाना लक्ष्य। आज की अगली खबर है अटारी ले रोड पर बनेगी ग्रीन कॉरिडोर, जल शक्ति मंत्री को सरकार ने लगाया महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का मॉनिटर। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए घोषित किए गए अटारी ले राष्ट्रीय राजमार्ग में बचे हुए भाग पर निर्माण कार्य आरम्भ होने की आज आ गई है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने इस राजमार्ग के हमीरपुर से मंडी तक विस्तारीकरण के लिए 1,112.18 करोड़ रुपए की लागत वाला एस्टिमेट अप्रूव कर दिया। सरकार बताए 4 लाइन NH का क्या हुआ, सुधीर शर्मा ने घेरी सरकार, केंद्रीय योजनाओं के नाम पर ठगी का लगाया आरोप। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने भाजपा सरकार पर बड़ा सियासी हमला किया है। कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक प्रदेश पदाधिकारी व पूर्व विधायकों के साथ सुधीर शर्मा ने केंद्र व प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। आज की अगली खबर है घुटनों से पीड़ित दिल्ली से लौटी देहरा की महिला कोरोना पॉजिटिव, देहरा के सामने आया एक और नया मामला। देहरा ब्लॉक में अब एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये अहम है कि ये परिवार गांव की एक लोकल गाड़ी से दिल्ली रेड जोन से देहरा की
नौशहरा पंचायत पहुंचा था। भाई को दुकान बेचकर कांगड़ा के ठानपुर में 20 साल की युवती ने छत के पंखे से लगाया फंदा। कांगड़ा के गांव में एक 20 वर्षीय लड़की ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार नगरोटा बागवा उपमंडल की ठानपुर गांव के एक लड़के ने अपने भाई दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेजा, छत के पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार भाई ने जब लौटकर देखा तो उसने ग्रामीणों की मदद से उसको टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। चढ़ियार के सिंबल में कोरोना पॉजिटिव ITBP जवान की बस्ती दुर्ग मोड सील, 8 लोग भी होम क्वारंटाइन। चढ़ियार के अंतर्गत सिब्बल पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कोरोना पॉजिटिव आए ITBP जवान की बस्ती दुर्ग मोड़ को प्रशासन ने सील कर दिया, साथ ही लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। अगली खबर है, हिमाचल में कोरोना के 5 नए केस, 469 पहुंचा आंकड़ा, 186 हुए एक्टिव केस। 11 जून रात तक 469 जो आंकड़ा है ये पहुंच चुका है, 186 जो एक्टिव केस हो, 5 नए पिछले कल मामले आए हैं। शिमला, सोलन, चंबा, हिमाचल में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आए, इसमें से सोलन और चंबा में 2-2 जबकि एक मामला शिमला में सामने आया है 11 जून रात तक। आज की अगली खबर है, CM से विधायकों की बैठक के बाद भी नहीं थमा सियासी उफान, संगठन महामंत्री पर फिर बरसे दवाला। हिमाचल प्रदेश के बड़े जिला कांगड़ा में आए भाजपा के सियासी उफान को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी निवास स्थान ओक ओवर में कांगड़ा जिले के सभी विधायकों को बुलाकर मंत्रणा की और लंच भी दिया, लेकिन उफान थमने की बजाय और उग्र होता नजर आ रहा है। विधायक रमेश दवाला ने एक बार फिर से संगठन महामंत्री पवन राणा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि संगठन और सरकार में तालमेल होना जरूरी है। आज की अगली खबर है, क्वारंटीन सेंटर की दीवार फंदा कर भागा युवक, 12 किलोमीटर दूर चढ़ा पुलिस के हत्थे। चिंतपूर्णी के यात्री निवासी में संस्थागत क्वारंटीन युवक वीरवार की सुबह दीवार फंदा कर फरार हो गया। इसके तुरंत बाद क्षेत्र की पुलिस टीमों ने अलर्ट जारी कर दिया था। करीब 9:30 बजे दौलतपुर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और रात की सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार फरार युवक मूल रूप से नेपाल का निवासी है, जो दिल्ली से जलंध होते हुए हिमाचल बॉर्डर पर पहुंचा था और चिंतपूर्णी में संस्थागत क्वारंटाइन था। COVID-19 के बाद हिमाचल में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म की प्रबल संभावनाएं, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा COVID-19 के बाद हिमाचल प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं, हिमाचल का वातावरण जलवायु इस तरह की टूरिज्म के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री भी कोरोना की सांतवादियों में आना चाहती है, जिसके लिए उनकी ओर से कई प्रस्ताव आए हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। आज की अगली खबर है, IIT मंडी एक बार फिर देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों की सूची में हुआ शामिल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश भर के टॉप 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में जगह बनाई है। IIT मंडी ने ओवरऑल वर्ग में 46.56 स्कोर प्राप्त कर 67वां रैंक हासिल किया है। इसके लिए खबर है, सुनसान जगह पर खड़ी कार से चिट्टा बरामद, एक गिरफ्तार। आम पुलिस ने चिट्टे हीरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6.58 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। उसके बाद बड़ी खबर है, पतंजलि से जुड़ी हुई, बाबा रामदेव का कोरोना को खत्म करने का दावा, बोले पतंजलि में दावा पर हुआ शोध। उसके बाद आज की अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों पर सरकार ने DGP, DC और SP से तलब की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर मजदूरों के पलायन, उन पर दर्ज मुकदमों, मजदूरों के भोजन व उन्हें घर भेजने के प्रबंध इत्यादि से जुड़ी जानकारी मांगी है। आज की अगली खबर है, मुख्यमंत्री बोले हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान भारत से होगी कोरोना की जाँच और इलाज। कोरोना संकट के बीच बसों में सफर करने लगे हिमाचल के लोग, बढ़ने लगी ऑक्यूपेंसी। कोरोना संकट के बीच सरकारी बसों में सफर करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा है। घर से कार्यालय और एक जिले से दूसरे जिले तक लोग बस से सफर करने लगे हैं। हिमाचल में 1 जून से परिवहन सेवा शुरू हुई है। 10 दिन के भीतर यात्रियों की ऑक्यूपेंसी 10-12% बढ़कर 25% हो गई है। कोरोना की आड़ में अधिक वसूली कर रहे अस्पतालों पर कार्यवाही करे संबंधित अधिकारी, दिल्ली हाई कोर्ट। कोरोना के कारण भारत का अगले महीने होने वाला श्रीलंका का दौरा स्थगित, ICC ने गुरुवार को ट्वीट कर इस पर दी जानकारी। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी थी। PNB को 125 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने के आरोप में CBI ने दर्ज किए मामले।
सीबीआई ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक में 125 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में नागपुर स्थित दो कंपनी और भुवनेश्वर स्थित एक फर्म के खिलाफ तीन ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को 9 जुलाई तक हिरासत में भेजा। भारत बेहतर रेटिंग का हकदार, देनदारी चुकाने की क्षमता, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत के सुधारों की रेटिंग एजेंसियों ने स्वीकार है। अगले साल उच्च आर्थिक वृद्धि दर के लिए भी यह सुधार महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए इस चैनल पर हिमाचल प्रदेश सोलेनी की अपडेट्स लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे को दबाना ना भूलना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।